अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, अनूठे इंसान, जो प्रसंग वर्णन है। बच्चों, हम यह पाठ आगे सीख गए हैं, जिसमें दो प्रसंग बताए गए हैं। पहले प्रसंग नेपोलियन का बताया गया है, जिसमें नेपोलियन की सच्चाई बताई गई है, उसका जो सच्चाई का डटकर सामने का गुण है वह बताया गया है। वह कभी झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता। और दूसरे प्रसंग में हमें देश के प्रति जो प्रेम होता है वह बताया गया है। एक सच्चा देशभक्त क्या क्या कर सकता है वह बताया गया है। महात्मा गांधी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की के बारे में यहाँ बताया गया है। तो चलो बच्चों, आज हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय जिसमें हम देखेंगे प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? उत्तर देखें हम, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था, जबकि उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। आगे देखें प्रश्न 2, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? क्या आएगा उत्तर? देखें, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था, बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। उस समय देश में आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था और बापू उसके नेता थे और धन की ज़रूरत थी। अब बापू वह धन कहाँ से लाते? इसलिए वह सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। आगे देखें हम प्रश्न 2, लिंग परिवर्तन कीजिए। देखो, मेढक मेढकी, तरुण तरुणी, कुमार कुमारी, देव देवी, हिरण हिरनी, कुम्हार कुम्हारिन, नाग नाग का क्या आएगा? नागिन, बाघ बागिन, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन। इसी तरह लिख देखना है हमें, शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऊंट ऊंटनी। अब हम देखेंगे प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? उत्तर देखें, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। क्या नाम था? इलाइजा। नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। दूसरा देखें, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया था।
लड़की के अमरूद जो थे वो नेपोलियन के कारण ही खराब हो गए थे। नेपोलियन उसका जो नुकसान हुआ था उसे पूरा करवाना चाहता था, इसीलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। आगे देखें, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? उत्तर, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। क्या था? कौमुदी था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा, मतलब दस्तखत। कौमुदी जो थी वो अपनी दोनों चूड़ियाँ गांधी जी को दे रही थी, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि तुम्हें अपनी दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्यागी सच्चा आभूषण है। तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा जो तुमने ये त्याग दिया है वही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। थैंक यू।